और इनकी फसलियों पर लगी है, उसको लेकर इनको सीपी स्कैन के लिए लेकर आई है राजकीय अस्पताल, और नरेंद्र सिंह जी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, इन पर हमला हुआ है, इनके परिवार पर, इनके घर पर। करीबन बताया जा रहा है 30 से 32 लोग थे हमले में, तो पूरी जानकारी अपन नरेंद्र सिंह जी और छोटू सिंह जी और कुंभ सिंह जी तीनों भाई है, इनसे लेंगे क्या वजह थी हमला करने की और कौन थे हमला करने वाले। तो साथियों एक बार फटाफट इस खबर को शेयर कर दो ताकि अधिकारियों तक ये पहुंचे और इनको भी पता चले कि बाड़मेर के बाड़मेर ग्रामीण से और कांग्रेस के नेता और बाड़मेर ग्रामीण से उप प्रधान है, इनके परिवार पर हमला हुआ है। अभी तक ये बताया जा रहा है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस ने की है, तो पूरा मामला इनसे जानेंगे क्या है। सबसे पहले छोटू सिंह जी से बात करते हैं, बाड़मेर से उप प्रधान है। सर क्या मामला हुआ और कौन थे हमला करने वाले, कितने जने थे? सर मतलब 25-30 लोग थे, काउंट हमने नहीं किया, 25-30 लोग आराम से। हम घर पे थे, बड़े भाई साहब खाना खा रहे थे, नीचे टहल रहे थे गली में, नरेंद्र सिंह जी बाहर खड़े थे, एक लड़का आया पहले बाइक लेके, विजय सिंह नाम का, उसने सीधे भाई साहब से पूछ तरह की बात करी, तूने मेरे गाली निकाली, तूने मेरे को ये काम आने किस गाली निकाली, और भाई साहब से सीधे कर दिया झगड़ा। उसके पीछे उसके दो भाई आए, रेवंत सिंह और राजू सिंह, फिर मैं थोड़ा दूर था, भाई साहब देखा झगड़ा हो रहा है, वो दोनों तीनों भाई साहब हमला कर दिया नरेंद्र सिंह पे तीनों ने। उसके बाद गाड़ी से उनके लगातार आदमी आते गए, उन्होंने पूरी गैंग बना के बैठे थे, सब आज इन पे हमला करना ही करना है। भाई साहब पूछी बीच बचा में गए, इनके भी लगे रुके, मेरे भी लगे, इनके थोड़े साथी भी चोट लाई है, लेकिन मेरे भी ज्यादा चोट नहीं आई, मैंने धक्के मारा, मैं भी बचा उनको दूर करने में लगा हुआ था, लेकिन एक दो साथी मेरे को भी लगे, नरेंद्र सिंह मेरे भाई के हाथ तोड़ दिया उन्होंने मार मार के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बालदेव नगर में गुंडों का ऐसा आतंक है, ये चौने लड़के दो मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं, तस्कर है ये, और ये नशा करते हैं, नशे के लोग हैं, बैठे रहते हैं नशा करने के लिए, एक फोन करते हैं वो सुनते ही नहीं किसका क्या बात है, सीधे इकट्ठे होकर हमला करने आ जाते हैं। आज मैं उप प्रधान हूँ ग्रामीण का, कांग्रेस पार्टी से हूँ, राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार है, मेरे घर पे हमला हो रहा है, मेरे भाई जो दोनों सरकारी कर्मचारी है इनको साथ मारपीट हो रही है, मेरे खुद के साथ मारपीट हो रही है, तो फिर आम जन क्या उम्मीद रखेगा, आम जन क्या सोचेगा और उनके कौन सुनेगा, कोई सुनवाई नहीं करने वाला। इसलिए मेरे पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि आप तुरंत कार्रवाई करके हाथों हाथ के हाथ उनको आरोपी सभी नामजद है सबको गिरफ्तार करे और सबको अंदर करे। सर क्या वजह होगी? वो तो यही कह रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ आपने मेरे गाली निकाली, नरेंद्र सिंह हमें गालियां निकाली, गालियां निकाली तो बैठ के बाद हमें मुझे बतानी चाहिए, आपने मेरे घर पे हमला कर दिया, गाली निकाली प्रभु होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमला कैसे कर दिया आपने। चलो कुंभ सिंह जी से बात कर रहे हैं, कुंभ सिंह जी का चाहिए सर क्या हुआ मामला और कहाँ लगी आपके? नरेंद्र से झगड़ा, मैं तो खाना खा के नीचे आ गया था, फैल रहा था गली के अंदर, नरेंद्र से के साथ में झगड़ा बनने के लिए लड़के आ गए, उसको मार भी दिया, मैं भी बचा दिया, तो मेरे यहाँ पे चोट आई। कहाँ पर आई सर? सीटी स्कैन करवाई, सीटी स्कैन अभी करवाया, मेरे सांस में तकलीफ हो रही है, नरेंद्र सिंह जी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, नरेंद्र सिंह जी से बात कर रहे हैं, क्या मामला था सर? देखिए सर मामला ऐसा था कि सोशल मीडिया पे किसी हमारे समाज का एक बंदा, उसने छोटू सिंह के खिलाफ कुछ अनगलत शब्द लिखे थे, तो उसके कुछ जानकार बंदे मेरे घर के पास आए, तो मैंने उनको यही कहा, क्योंकि हम तो मैं और मेरे बड़े भाई साहब गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये प्रधान है, तो मैंने उनको बोला कि अगर कोई चीज़ रील में हो तो आप पहले बात करो, उसके बाद कोई भी कमेंट करो, लेकिन मैंने सिर्फ इतनी सी बात उनसे कही कि आप जो भी है उसको उस बंदे को समझाओ कि फालतू में सोशल मीडिया में ऐसी बातें ना लिखें। अब उस बंदे ने जाके पता नहीं होटल में ही लड़के सारे इकट्ठा हो रखे थे, उनको जाके क्या चीज़ बोली, कैसे उनको भड़काया, और वहाँ से 30 से 35 लोग इकट्ठा होके एक राय होके मेरे को जान से मारने के लिए मेरे पे हमला कर दिया उन लोगों ने। और ये तो भला था कि मेरे बड़े भाई वहाँ मौजूद थे, मेरे ताऊजी के लड़के वगैरह वो सब, राजू सिंह, जालम सिंह, हम सब वहीं खड़े थे, तो उन्होंने जैसे ही मेरे पे हमला देखा और वो सब बीच में पड़ गए। इस दरमियान मेरा ये हाथ यहाँ से देख लीजिए आप, ये अंगुली फ्रैक्चर हो गई है, ये हाथ यहाँ से लगभग फ्रैक्चर है, पूरी सोतन है उसकी, बड़े भाई साहब बीच में पड़े तो उनके मुक्के लगे हैं, उनकी उनके लीवर पे और हार्ट पे सूजन है, डॉक्टर साहब ने तत्काल सीटी स्कैन का बोला है इनको, और उनका उन्होंने यह तक कहा है कि हम तुझे जान से मार देंगे, क्या औकात है तेरी, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तू कुछ नहीं कर पाएगा हमारे, हम रोड पे घूमते हैं, हमारा यही काम है, और हम तुझे अब उठा लेंगे रस्ते से, अब तू कहाँ निकलता है, अगर तूने FIR करवा दिया कुछ कर दिया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरी क्या हाल करेंगे हम, तू देख लेना तू कहाँ तक इन भाइयों को लेके साथ घूमेगा, हम तुझे किसी हाल में जान से मार के ही छोड़ेंगे। ये किसने कहा? ये विजय सिंह, अजय सिंह और विजय सिंह के भाई और रेवंत सिंह और एक वो लाल सिंह था वो, और ऐसे करके मुकेश डूडी और ऐसे करके कुछ ज्यादा, तो क्या भीड़ में मैं इतना माहौल देख के मैं खुद
क्योंकि मैं खुद एक आम घबरा गया तो मैंने उनसे हाथ जोड़े, मेरे ताऊ जी भोपाल सिंह जी बीच में आए, उन्होंने कहा कि भाई मत करो मत करो, लेकिन उन्होंने उस बूढ़े तक किया, उन उस बुजुर्ग आदमी है उनकी तक उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने एक ही कहा कि हम यहाँ के दादा हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तुम्हारी क्या औकात है, हमने आधे घंटे में ये कर दिया, आधे घंटे में कुछ भी कर सकते हैं, घर में घुस के मार देंगे, कहीं पर भी तुम्हें अब छोड़ेंगे नहीं, अगर तुमने कहीं कुछ भी कर दिया और तेरा भाई कुछ नहीं कर पाएगा, वो प्रधान होगा तेरे घर पे होगा, उनके पास धमकियां, उनके पास हथियार था, पुलिस आई क्या हुआ? अब मैं ऐसी भीड़ में कुछ नहीं देख पाया, मेरे जैसे पुलिस हमला हुआ, आई थी पुलिस, मतलब 15-20 आधे घंटे में जब तक वो फरार हो गए सारे के सारे। ये नरेंद्र सिंह जी है, छोटू सिंह जी के बड़े भाई है, किसके आ गया है, तो हॉस्पिटल